To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Suprabhatam, Ayabhan. विगत कालांश में आपको कक्षा चतुर्थ विषय हिंदी के पंचम पाठ आपको पढ़ाए थे। पाठ का नाम, जैसा कि राम और सबरी के बारे में, एक नाटक के रूप में है। प्रथम दृश्य, द्वितीय, दूसरा दृश्य और तीसरा दृश्य के रूप में, और इसके अभ्यास प्रश्न भी आपको हमने बताया था, एक नंबर का, जिसमें कि नीचे दिए गए शब्दों का लिंग निर्णय करते हुए वाक्य बनाएं, बताए थे आपको। आपने उसको अपनी पेन कॉपी में अक्षरशः कर लिए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, और ऐसा आप करते भी आ रहे हैं और आगे करते भी रहें। आज हम इसी अभ्यास पाठ के दो प्रश्न संख्या, जो कि इसमें बताया गया है कि इन वाक्यों के वचन बताइए, इन वाक्यों के वचन बताइए। यहाँ वाक्य लिखा हुआ है, मैं सिर्फ आपको उसका उत्तर बताया हूँ। वाक्य है, बेर बड़ा मीठा है। बेर बड़ा मीठा है, इसका मतलब एक बेर के बारे में बात कर हो रही है, तो बेर बड़ा मीठा है तो कौन वचन हो गया, एक वचन। दूसरा ख नंबर में है, बेर बड़े मीठे हैं, यही बहुत बेर हैं, तो इसका मतलब ये बहुवचन हो गया। मैं आ गया, गौ नंबर में, तो मैं आ गया, सिर्फ अकेला आया, एक आदमी आया, तो एक वचन हो गया। घ नंबर में है, राम और लक्ष्मण आ रहे हैं, तो राम और लक्ष्मण आ रहे हैं तो बहुवचन। आप जैसा कि जानते हैं, हिंदी में दो ही प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। अंग नंबर में, हृदय छोटा नहीं है, हृदय छोटा नहीं है, यह भी एक वचन। और अंतिम नंबर में है, चौ नंबर में, हम छोटे माने जाते हैं, यह भी छोटे माने जाते हैं, हैं तो बहुवचन हो गया। ये आपका दो नंबर का प्रश्न। अब नीचे में तीन नंबर के प्रश्न है, कारक के सारे चिन्हों का प्रयोग बताया गया है। कर्ता कारक, मैंने देखा है, तो मैंने शब्द जो है ये कर्ता कारक हो गया, मैंने शब्द कौन कारक हुआ, कर्ता कारक। अब आइए कर्म कारक, उन्होंने राक्षसों को मारा, तो राक्षसों को मारा, यहाँ अंडरलाइन किए हैं तो को। करण कारक, छल से हरण कर लिया गया, से। संप्रदान कारक, स्वागत के लिए शब्द आ गया। अपादान कारक, पंचवटी से दूरी पर झोपड़ी है, से शब्द। इन सारे वाक्यों को आप लिखेंगे, लिख करके अपनी फेर कॉपी में रखेंगे। पुनः मैं आपको संबंध कारक से अब बताने जा रहा हूँ। तो अब चार नंबर के पहले तीन नंबर के जो कारक प्रश्न है, इसको समझ लें। संबंध कारक, राम के चरणों में, तो के अर्थात संबंध बता रहा है, इसलिए संबंध कारक हुआ। अधिकरण कारक, टोकरी में बेर है, टोकरी में, संबंध कारक में या पर इसका चिन्ह होता है, तो मैं, तो यहाँ पर अधिकरण कारक। अब संबोधन कारक, माँ क्या कर रही हो, माँ के बाद में संबोधन का चिन्ह है, अंडरलाइन है, तो माँ शब्द जो है आपका ये संबोधन कारक है। ये ध्यान रखना है कि कारक के सारे रूपों को, आठ जो उसके रूप हैं, आठों रूप को आपको याद करना होगा। कर्ता कारक, कर्ता कारक का चिन्ह ने, कर्म कारक उसका चिन्ह को, करण कारक से या द्वारा साथ के लिए, संप्रदान कारक के लिए, अपादान कारक से दूरी के लिए, संबंध कारक के अर्थात संबंध कारक का के की इसका चिन्ह है, अधिकारक, अधिकरण कारक में या पर, और संबोधन कारक हे हो अरे इत्यादि, ये इनके चिन्ह हैं। अब आइए चौथा नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। प्रश्न है, सबरी कौन थी, सबरी सबर जाति की थी एवं प्रभु श्री राम के परम प्रिय भक्त थी।
सबरी कौन थी? सबर जाति की थी एवं प्रभु श्री राम के परम एवं प्रिय भक्त थी। अब दूसरा प्रश्न है, राम सबरी के पास कब पहुंचे? राम सबरी के पास सीता हरण होने के पश्चात सीता की खोज के समय में पहुंचे। जब वह सीता की खोज करने लगे, जो सीता को किसने हर ले गया है, हरण कर लिया है, तो उस क्रम में प्रभु श्री राम सीता हरण के होने के बाद सबरी के आश्रम में पहुंचे थे। तो अब यही निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। चौथा प्रश्न का गौ नंबर है, कैसे सबरी ने राम का स्वागत कैसे किया? सबरी अपनी झोपड़ी के द्वार पर आकर राम का स्वागत करती है। दूसरा प्रश्न है, कैसे आदमी को छोटा माना जाता है? कौन आदमी जो है इस दुनिया में छोटा कहा जाता है? जिस आदमी का हृदय छोटा होता है उसी आदमी को इस दुनिया में छोटा माना जाता है। रावण कौन था? कौन नहीं जानता रावण का नाम? रावण लंका का एक क्रूर एवं अत्याचारी राजा था। वो तपस्या के बल पर बहुत बुद्धि बल साहस अर्जित कर लिया, जिसके कारण उसको अहंकार हो गया, और अहंकार आप जानते हैं मनुष्य को सर्वनाश की ओर ले जाता है। तो वही अहंकार के चक्कर में आकर के रावण क्रूर हो गया, अत्याचारी हो गया। वो ऋषि मुनियों पर, साधु संतों पर वो अत्याचार करने लगा, मारपीट करने लगा। इस क्रम में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उन्होंने सीता जी का हरण कर लिया, और वही सीता जी का हरण उसके सर्वनाश का कारण बना। अंतिम प्रश्न है, राम का जन्म स्थान कहाँ है? राम का जन्म स्थान अयोध्या में है। और कहाँ है? तो यहाँ पर था लिखा हुआ है, तो लिखेंगे है अभी भी अयोध्या में ही है, जो अयोध्या सरयू नदी के किनारे में है। अयोध्या कहाँ है? सरयू नदी किनारे में। आज आपको होमवर्क दे रहे हैं, गृह कार्य दे रहे हैं, आप पाठ पांच के प्रश्न संख्या एक से चार तक पूर्ण कर लिखें। इसको पूरा करके लिखेंगे भैयाबन, यह भी ध्यान रखेंगे पूरा करने के साथ साथ इनको स्मरण भी करना है, याद भी करना है, ताकि फिर हमको अगले छठा पाठ पढ़ाने में हमको कहीं दिक्कत ना हो। तब तक के लिए भैया बहन आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मन से पढ़ें, जितने अच्छे से हो इतने अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यह भी कहते हैं, कहीं अगर आपको दिक्कत हो तो आप अपने ग्रुप में डाल के, व्हाट्सएप पर डाल करके ज़रूर भेजा करें, ताकि हम आपको उसको बढ़िया ढंग से बताएंगे। अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।